नमस्कार, मैं हूं आकर्षण पलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। जो ये बस आपको दिखाई दे रही है, ये करोड़ों रुपए की बस है जिसे इंग्लैंड के एक डॉक्टर कुलवंत धालीवाल ने 12 बसों के रूप में इंडिया के अंदर चलाया और इसके ऊपर लिखा है वर्ल्ड कैंसर केयर। वर्ल्ड कैंसर केयर मतलब किसी को भी अगर कैंसर होने की आशंका है तो इन बसेस के अंदर उस लेबोरेटरी के द्वारा 3D वीडियो के द्वारा लोगों को बताया जाता है कि आपको कैंसर हो सकता है या आपको कैंसर है। ये खबर आपको दिखानी और बतानी इसलिए ज़रूरी है कि कैसे इंग्लैंड में रहने वाले एक सिख समुदाय के डॉक्टर कुलवंत धालीवाल ने एक ऐसी शुरुआत की जब उनकी माँ को कैंसर हुआ, उन्हें पता लगा कि उनकी माँ बच नहीं पाएंगी और कैंसर की वजह से उनकी माँ को अपनी जान देनी पड़ी। माँ की जान जाने के बाद वो पंजाब जाते हैं और अखंड पाठ रखने की जगह, जो उनकी माता की मृत्यु के बाद अखंड पाठ रखा जाना था, उस अखंड पाठ को रखने की जगह उन्होंने कैंसर से रिलेटेड एक कैंप रख दिया जिसमें प्री डिटेक्ट किया जाता है कैंसर को कि कैंसर आखिर किसे है। तो तब पता लगा कि उनके गांव के 7 लोगों को कैंसर था और वो 7 के 7 लोग कैंसर की बीमारी से बच गए क्योंकि उनका इलाज हो पाया। उसके बाद डॉक्टर कुलवंत धालीवाल ने इस तरह की कुल 12 बसों को पूरे इंडिया के अंदर उतार दिया और ये लगभग हर शहर को कवर करती हैं और यहाँ पर हर तरह के जो कैंसर से रिलेटेड टेस्ट हैं वो फ्री किए जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उन महिलाओं को जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, उन लोगों को जिनको मुंह का गले का कैंसर होता है, वो टेस्ट भी यहाँ पर फ्री किए जा रहे हैं। अगले 8 दिनों तक ये जो बसेस हैं ये करनाल में रहेंगी और वर्ल्ड कैंसर केयर के नाम से ये जो बसेस हैं ये चलाई जा रही है। कुल 8 बसेस हैं जो चल रही हैं। आपको बस के अंदर दिखाते हैं कि आखिर किस तरह के टेस्ट होते हैं और जो ये टेस्ट किए जाते हैं इन टेस्टों को कौन कैसे करता है और 10,000 रुपये तक के जो टेस्ट हैं ये फ्री किए जाते हैं। इस बस के अंदर हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र ढिलो जुड़ेंगे जो कि इन सभी बसों की सुपरविजन भी करते हैं, पेशेंट्स का टेस्ट भी डायग्नोस करते हैं। उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत की डॉक्टर कुलवंत धालीवाल तो नेक कार्य कर ही रहे हैं, आप लोग भी सेवा के माध्यम से जो ये चैरिटेबल सोसाइटी चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बताएं कि ये वर्ल्ड कैंसर केयर क्या है, इसकी शुरुआत डॉक्टर कुलवंत धालीवाल ने जब की, 20 साल हो चुके हैं, कितने लोगों का कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, कैसे लोगों की जान बचा रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड कैंसर केयर जो सोसाइटी है ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है और हमारा काम है घर घर जाके कैंसर का डायग्नोज करना। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड का इशू है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, दुनिया भर में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, सरकारें बड़ी चिंतित है क्या किया जाए कैंसर से बचाव है। सब ने मिलजुल के एक ही अभी तक नतीजा निकाला कि इसका हल भाई तभी है अगर पहले पकड़ लो, कैंसर को बनने से पहले ही पकड़ लो। जैसे बुखार होता है ना, हमें सिम्टम आते हैं, कैंसर भी एक दिन में नहीं बनता, कोविड की तरह रातों रात नहीं बनता, इसको बनने में कम से कम 6 महीने साल लग जाते हैं। तो वो जो 6 महीने साल का समय होता है ना, उसी में हम लोग टपक पड़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, बड़ा टपक उसी में टपकते हैं हम लोग, पकड़ते हैं, तंदुरुस्त बंदों को चेक करते हैं, हेल्थी बंदा हमारे पास आता है उसे क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उसके में सिम्टम पलता है तो हम उसका उसी टाइम पर डायग्नोज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बसें हैं इनकी कीमत करोड़ों रुपये कीमत है, 12 बसें हैं आपके पास, 20-20 साल से आप लोग ये बसें चला रहे हैं, हर बस के अंदर आप देख सकते हैं कि AC लगे हुए हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, इतने सारे लोग हैं आपके पास, इस खर्चा सारा कौन कर रहा है ये सब खर्चा? देखिए जी, इस मिशन के पीछे जो बड़ा हाथ है वो है कुलवंत सिंह धालीवाल जी, बेसिकली NRI हैं, UK के हैं वो, और वही शुरू से लेकर एंड तक वही इसकी बैकबोन है। धालीवाल साहब के मदर को कैंसर हुआ था आज से कई साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले उनको मदर को कैंसर हुआ था, तो उस टाइम पे वो जो कनाडा में थे मदर उनके, तो वो उनकी जो अस्थियाँ लेके आते हैं, नॉर्मली पंजाब में आते हैं हमारे लोग वहाँ पे, तो अखंड पाठ करवाते हैं, तो उन्होंने अखंड पाठ तो करवाया ही, लेकिन किसी बहुत बड़ा उन्होंने पंडाल नहीं लगाया, कोई ये नहीं किया, लंगर नहीं लगाया, उन्होंने मेडिकल कैंप लगा दिया अपने गांव में, कैंसर डिटेक्ट करने, हाँ, मल्टीपल डिजीज का था, तो मोगा जिले के वो जंपल थे, तो वहीं पे उनकी मदर का जो किया कर्म किया गया, तो वहीं पे उन्होंने मेडिकल कैंप रख दिया, वो 3 दिन मेडिकल कैंप चला जी, DMC की टीम पहुंची वहां पे, और उन्होंने कम से कम वहां पे 8-9 लेडीज का जो प्री कैंसर डायग्नोज हुआ, तो वो अभी तक भी अपने घरों में ठीक ठाक बैठी हुई है, तो उनको एक मोटिवेशन मिली कि अगर ये लेडीज बच गई मेरे इतने एफर्ट से तो मैं कितनी को और बचा सकता हूँ। तो मेरी तो मदर चली गई, तो मैं कोशिश करूंगा कि पंजाब की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की औरतों को, मर्दों को, आते रहते हैं जी, साल में कम से कम 4-5 बार आते हैं, तो वो उनको एक मोटिवेशन मिली, उसी को मोटिवेशन को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने, जो इंग्लैंड में चीजें हो रही हैं, जो अमेरिका दे रहा है, अमेरिका में सेम बसें हैं जी, इंग्लैंड में सेम बसें हैं, ऐसी फैसिलिटी वहाँ पे घर घर जा रही है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा एक बार चलकर आप दिखाएं, यानी आप सोचिए
कि करोड़ों रुपए की ये बसें उन्होंने एक मिशन में लगा दी कि किसी की माँ को, किसी के बेटे को, किसी के बेटी को, किसी के पति को, किसी के भाई को कैंसर ना हो, प्री डिटेक्ट हो जाए। प्री डिटेक्ट का मतलब ये कि अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है, कैंसर की कोई आशंका है, किसी भी टेस्ट में अगर पता लग सकता है कि आप को ये जो कैंसर की बीमारियां हो सकती है, तो आप इन मशीन्स के थ्रू उसको डिटेक्ट करवा सकते हैं। सर ये जो मोनोग्राफी मशीन है काफ़ी महंगी मशीन होती है, अपने आप में महंगी मशीन भी है, टेस्ट बहुत महंगा है। पीछे माता जी एक बैठे हुए हैं, इनका भी जो ये टेस्ट है ये करवाने के लिए आए हैं। इस मशीन का क्या फ़ायदा है, कौन लोग ये टेस्ट करवा सकते हैं और महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? देखिए 100 किस्म का कैंसर है पूरे वर्ल्ड में होता है, लेकिन 7-8 किस्म का बहुत ही ज़्यादा सवेर है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ और इंडिया में से मैं औरतों की बात कर रहा हूँ, तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है, और ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ने के लिए मात्र एक ही सोर्स है, मैमोग्राफी टेस्ट। मैमोग्राफी और हर जो मैमोग्राफी टेस्ट है हर लेडीज़ को करवाना चाहिए आफ्टर 45 ईयर। अगर किसी को सिम्टम है, लंप आ रहा है, डिस्चार्ज है, बच्चे नहीं हुए, शादी नहीं हुई, शादी हुई तो बच्चे को दूध नहीं पिलाया, छोटी उम्र में बच्चे निकाल दी है, तो ये बड़े सिम्टम है, तो उनको ये मैमोग्राफी टेस्टिंग जरूर करवानी चाहिए। ये जो मोबाइल यूनिट के अंदर आप आए हुए ना, पूरे 1.5 करोड़ की ये मोबाइल यूनिट है, 1.5 करोड़ की ये पूरी बस है। इसके अंदर लेड लगा हुआ है, पूरा सिक्का लगा हुआ है, रेडिएशन का एक्सपोजर है, बाहर ना जाए। तो हमारा जो पर्पज रहता है कि ये वाली टेस्टिंग लोगों को बिल्कुल फ्री दी जाए, क्योंकि बहुत महंगी टेस्टिंग है, प्राइवेट में ना तो कोई लिखता है तो ना कोई करवाता है, क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी है कि डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया, हम सोचेंगे उसकी कमीशन होगी इसलिए लिख रहा है, लेकिन भैया ऐसा नहीं होता। डायग्नोज होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें, लोगों के पास पैसा भी नहीं होता ना। तो ये वाली टेस्टिंग जो है वर्ल्ड कैंसर केयर दारीवाल जी के माध्यम से और सेतिया परिवार के माध्यम से, एवं बिल्कुल करनाल में 8 दिन का शिविर चलेगा जी, अलग अलग जगह पर चलेगा, तो बिल्कुल फ्री करी जाएगी। यही नहीं बल्कि और भी बसें हमारे पास, उसमें सर्विस कैंसर की डायग्नोज हो रही है, पैप्समियर कर रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA कर रहे हैं, ब्लड कैंसर की जाँच हो रही है, मूर गले की जाँच हो रही है, हड्डियों की जाँच हो रही है, डायबिटिक ब्लड प्रेशर है, और जनरल दवाइयों का खुला लंगर लगा हुआ है। भैया लंगर आपने सुने होंगे, दवाइयों का लंगर यहाँ पे करनाल में, दवाइयों का लंगर। आप समझिए कि धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म हो, कोई भी गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सबके लिए ये टेस्ट और जो दवाइयां हैं, दवाइयों का लंगर, टेस्टों का लंगर। आप समझ कर देखिए कि जिस तरह से आप लाइन में लगकर खाने पीने के लिए लगते हैं कि भैया तो लंगर लग रहा है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, लेकिन यहां पर आपको टेस्ट फ्री करवाए जा रहे हैं। और ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये जो बस आप देख रहे हो, इसकी एक बस की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। इससे आप समझ कर देखिए कि लाखों रुपए महीने की इसकी मेंटेनेंस है, इतने सारे लोग, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे स्टाफ यहां पर काम कर रहे हैं। ऐसी अगली और भी बसें हैं, वहां पर भी डॉक्टर साहब चलते हैं, एक बार देखते हैं चलकर। और आप देखिए कि हर बस में AC भी लगे हुए हैं। कितना खर्चा जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है वो कर रही है, और किसी से पैसा लिया नहीं जाता। एक शख्स कमाता है और वो शख्स इस तरह से पैसा कमाकर हिंदुस्तान के लोगों के लिए इस तरह की 12 बसें चला देता है। मुझे लगता है कि ऐसे शख्स को सैल्यूट जरूर करना चाहिए। डॉक्टर कुलवंत धालीवाल को भी हमारा सैल्यूट है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक टीम ऑलरेडी यहां पर काम कर रही है, एक टीम ऑलरेडी यहां पर टेस्ट कर रही है, और ये तमाम टेस्ट इसी बस के अंदर किए जा रहे हैं जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। और AC भी यहां पर लगाए गए हैं ताकि किसी को भी अनकंफर्टेबल ना हो। यहां पर आप मातृशक्ति देख सकते हैं, महिलाएं देख सकती हैं, बहनों को देख सकते हैं कि किस तरह से वो लगातार जो टेस्ट है वो यहां पर कर रहे हैं ताकि कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके। और लगातार जो लोग हैं वो यहां पर ये टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं। और आप समझ कर देखिए कि हजारों रुपए के टेस्ट, हमारे जैसे देश में जहां पर लोगों को इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, टेस्ट के पैसे इकट्ठे करने के लिए अपने घर का सामान बेचना पड़ता है, यहां पर ये तमाम टेस्ट वर्ल्ड कैंसर केयर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से बिल्कुल मुफ्त किए जा रहे हैं। डॉक्टर कुलवंत धालीवाल की हुई शुरुआत किस तरह से 12 बसों तक पहुंच चुकी है, और 12 बसेज पूरे इंडिया के अंदर इस तरह से जो ये टेस्ट है वो करवा रही है। हमारे साथ है विजय सेतिया जी भी हैं। सेतिया जी, सैल्यूट तो धालीवाल साहब को भी बनता है और सैल्यूट आपको भी बनता है। एक बहुत बड़ी शुरुआत है, मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लोगों का भाग्य है, सौभाग्य है कि इंग्लैंड के अंदर एक शख्स कमा रहा है और 12 बसेस चला रहा है यहाँ। सबसे खास बात है इन बच्चों की और इस टीम की कि जो आपको बताऊं, सुबह 4 बजे चल के अमृतसर से यहाँ आके इस तरह काम कर रहे हैं जैसे पूरी चुस्ती दुरुस्ती से। तो पहले तो मैं इन्हीं को सलूट करता हूँ और इन्हीं की सक्सेस है और इन्हीं की वजह से सब लोग यहाँ हैं। मैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है,
डॉक्टर साहब का रोल है, इनकी टीम का रोल है, ये तो बाकी परमात्मा करता है, बाकी परमात्मा करता है। और आपके डॉक्टर साहब साधारण व्यक्तित्व को तो सभी लोग जानते हैं करनाल में। आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि इस बस के अंदर जो लोग हैं, अंकल जी आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, और सामने एक LED स्क्रीन भी लगी हुई है, और यहाँ पर भी AC लगाया गया है, ये दिखाने के लिए कि आपको कैंसर की क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे आप कैंसर से बच सकते हैं, क्या उसका प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक स्पीकर भी लगाया गया और एक LED भी शानदार लगाई गई है। किसी तरह के खर्चे की कमी नहीं है, यानी कि खर्चे की वजह से किसी को कुछ समझ ना आए, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। और इसके अलावा दो और बसेज आपको दिखाते हैं, जहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर और जो टेस्ट है, वर्ल्ड कैंसर केयर चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं अपने टेस्ट करवाने के लिए, और इसकी कैपेसिटी है 1 मिनट में एक शख्स का टेस्ट करने की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनके भी जो टेस्ट हैं यहाँ पर चल रहे हैं, और जो पूरी मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल टीम है, यहाँ पर वो टेस्ट करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं करनाल से, करनाल के आसपास के इलाके से ये टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं, यानी आप समझिए कि अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत आगे चल कर ना हो, इसलिए जो ये टेस्ट है यहाँ पर किए जा रहे हैं। और ये चौथी बस है जिसमें ये तमाम तरह के जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, हजारों रुपए के टेस्ट बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। वर्ल्ड कैंसर केयर चैरिटेबल सोसाइटी इंग्लैंड के रहने वाले जो डॉक्टर कुलवंत धालीवाल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। और ये देखिए AC हर बस के अंदर लगा हुआ है, इसके कंप्रेशर हर बस के अंदर लगे हुए हैं, एक एक बस की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, और इनकी मेंटेनेंस 1 लाख रुपए महीने की है, पूरा स्टाफ है, उनकी सैलरी है, जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो टेस्ट हैं, ये तमाम जो टेस्ट हैं वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी की तरफ से, चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से किए जा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक शख्स, जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी माँ को कैंसर था, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी शुरुआत कर दी इन बसों को चलाकर कि किसी की माँ, किसी को बेटे, किसी के पति, किसी के पिता और किसी की पत्नी को कैंसर ना हो, इसका उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया कि आप प्री डिटेक्शन किसी भी कैंसर की करवा सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। अगले 8 दिनों तक ये टेस्ट करनाल जिले में होने, अगर आपने भी अभी तक ये टेस्ट नहीं करवाया तो आप यहां पर आ सकते हैं। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।